अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और नए सबक के लिए तैयार भी हैं। नया सबक पढ़ने से पहले देखते हैं कि आपको हरूफ तहज्जी कितनी याद है। बहुत खूब। क्या आप जानते हैं बच्चों, आज हम कौन से हरूफ पढ़ेंगे? आज हम हरूफ नून, वाव और हे पढ़ेंगे। नून की आवाज न, वाव की आवाज व और हे की आवाज ह होती है। वाह वाह, नाश्ता कैसा अच्छा नाश्ता। आहा निदा, ये आप क्या कर रही हैं? ये नज़्म मैंने अपनी नानी से सीखी है, हर हफ्ते मैं उनके घर जो जाती हूँ। इस हफ्ते नानी ने मेरे लिए हरी सब्जी, नान और निहारी बनाई, मजेदार। नाना अबू के साथ वीडियो गेम खेलने का तो मजा ही कुछ और है। पता है, नानी और नाना अबू ने मुझे बहुत से तोहफे दिए, जिसमें से हॉकी और हाथी की किताब भी है। हर सुबह नाना अबू वर्जिश के लिए जाते हैं, मैं भी उनके साथ वर्जिश करने जाती हूँ। वर्जिश से वापसी पर नानी हमें नाश्ता और नारियल पानी देती है। दिन भर नानी से वाक्य सुनना और नाना अबू के हाथों से नारंगी खाना मुझे बेहद पसंद है। एक बात बताऊं, बहुत जल्द मैं अपने दादा दादी के घर जाऊंगी, जो कि नॉर्वे में रहते हैं। तो बताइए बच्चों, इस मंजर में निदा के हाथ में क्या है? हॉकी। दूर खड़ा आदमी क्या कर रहा है? वर्जिश। अच्छा, निदा के पास कौन खड़ा है? नानी। शाबाश, दुरुस्त जवाब। आइए बच्चों, हुरूफ नून, वाव और हे की मुकम्मल और आधी शक्ल लिखना सीखें। नून को सतर से नीचे ले जाके ऊपर एक नुक्ता, वाव को जरा सा सतर से नीचे लाएं, हे को सतर पर बिठाएं, दोनों सिरे जोड़ दें। नून की आधी शक्ल सतर पर, वाव की आधी शक्ल नहीं होती, हे की आधी शक्ल लिखें, एक हुक लगाएं। प्यारे बच्चों, दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और क्विज हल कीजिए, साथ ही हुरूफ नून, वाव, हे की लिखाई भी जरूर जारी रखिए। अच्छा तो प्यारे बच्चों, खुश और खुर्रम रहिए और सीखने का अमल जारी रखिए। खुदा हाफिज़।